जीवनम। जब जीवन तप्त हो जाए, उत्तप्त हो जाए, तपती रेत जैसा हो जाए, भाए भाए करता सन्नाटा जंगल का, या बड़ी नदिया का पाट और दरिया समंदर सागर जैसा हो जाए कि उसे पार करके जाना है, या कि आग का दरिया बन जाए, या कि वो बबंडर स्ट्रॉम जो समुद्र में तूफान आते हैं, चक्रवात वैसा हो जाए, तपने लगे जीवन, जलन हो, व्याकुलता हो, कठिन सा हो जाए। कुछ लोग तो बेचारे जिन्हें पता नहीं कठिनाई के दिनों, पता है क्या कहते हैं, बस महाराज जैसे तैसे कट रही है, दिन गुजार रहे हैं, काट रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं समय को धक्का दे रहे हैं, महाराज आपको पता नहीं, आप सन्यासी आपको क्या पता समय कितना कठिन है, बहुत हार्ड है, बहुत टाइट है, स्ट्रेस है, स्लंप है, बाजार में रिसेशन है, महाराज आपको पता नहीं है, ऐसे बोलते रहते हैं कुछ लोग। अब उनकी भाषा है, व्यापारी आएंगे अपनी भाषाएं साथ लेकर आते हैं। अब हम उसे अपेक्षा तो करते नहीं कि पुराण की बात सुनाएगा हमको, अपनी मन की बात करते हैं बेचारे, बहुत धक्का दे रहे हैं। तप्त जीवन हम जलने लगे, और हमारी वो पगडंडियां, वो राहें या वे रास्ते अगर बहुत तपिश भरे हों, कांटों भरे हों, पत्थर हूं, मार्ग में बाधाएं हूं, तब के लिए क्या है। जब कठिनाई हो, दुर्बोध हो, समस्याएं हो, भ्रम भय हो, नाना प्रकार के संकट हो, तब के लिए क्या है। उस समय क्या बताया, तब कथा मृतम तप्त जीवनम। कथा, इसे कान में अच्छे शब्द जाएंगे, कलमश का नाश होगा, अज्ञान की निवृत्ति होगी। ये अलग प्रकार का रस है, ये कोई और रसायन है। इसलिए कठिनाई में भैया एक हमारी सलाह मान लो, जब बहुत कठिनाई हो तो संत को सुनो, महापुरुषों को सुनो, सत्संग में जाइए, हार्ड डेज में साधु को सुनिए, अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिले।